गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, स्टैगर्ड में, एक्लिप्स्ड में और स्टैगर्ड में दोनों के बीच में आदान प्रदान चलते रहता है। ये बन गया, फिर वो बन गया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थोड़ा सा हीट अगर आ गया, वातावरण गर्म है तो हीट आया, ये गर्म हो गया, एनर्जी मिल गया, आ गया एक्लिप्स फॉर्म में। फिर एनर्जी रिलीज करके, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करके आ जाएगा वो स्टैगर्ड फॉर्म में, दोनों के बीच में चलते रहता है। दिस इज मोर स्टेबल। सो इथेन स्टेज, ये ज्यादातर इस स्टेट में रहता है, लेकिन कुछ शॉर्ट टाइम के लिए इस स्टेट में आ गया, थोड़ा सा गर्मी पा गया तो इस स्टेट में आ गया, और फिर इस स्टेट में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन इज मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप दैट विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड्स आर फ्री टू एज्यूम डिफरेंट पोजिशन इन स्पेस। कन्फ्यूग्रेशन में दे आर नॉट फ्री टू एज्यूम एनी डिफरेंट पोजिशन इन द स्पेस विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, बट इन दिस विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड आर फ्री टू एज्यूम डिफरेंट पोजिशन इन स्पेस बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, इन द सिंपल हाइड्रोकार्बन इथेन फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए नियरली कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रोटेशन अराउंड सीसी बॉन्ड, मेनी डिफरेंट इंटर कन्वर्टिबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ रोटेशन, फिगर 122। ये हो गया। टू कन्फर्मेशन आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, द स्टैगर्ड विच इज मोर स्टेबल देन ऑल अदर्स एंड दस प्रीडोमिनेट्स, and the eclipsed which is least stable. We cannot isolate either of these conformational forms because they are freely interconvertible. However, when one or more of the hydrogen bonds on each carbon is replaced by a functional group that is either very large or electrically charged, freedom of rotation around the CC bond is hindered. This limits the number of stable conformations of the ethane derivative. Ethane जो है दोनों तरफ CH3 है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो वो अपने इस बॉन्ड के अलोंग, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग पूरी तरह 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। ये एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, दोनों अपने कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग फ्रीली मूव कर सकता है 360 डिग्री। लेकिन अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से सपोज, और ठीक है, तो एक आ गया इस पर फंक्शनल ग्रुप, तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो ये इधर वाला भारी हो गया समझ लो, और इधर CH3 ही है, तो मूवमेंट जो है क्या हो गया, क्या हो जाएगा, इसका रेस्ट्रिक्ट कर जाएगा, अब फ्रीली मूव नहीं कर सकता 360 डिग्री, कुछ हद तक करेगा फिर वो नहीं होगा, ठीक है, मूवमेंट विल गेट रेस्ट्रिक्टेड। हाउएवर व्हेन वन और मोर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑन इच कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल ग्रुप दैट इज ईदर बाय वेरी लार्ज, बहुत बड़ा लार्ज हो फंक्शनल ग्रुप, और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, फ्रीडम ऑफ रोटेशन अराउंड द सीसी बॉन्ड इज हिंडर्ड। तो प्रोटीन में क्या हो रहा है, अब देखिए कितना सारा फंक्शनल ग्रुप है ना, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो सबका एक इफेक्ट है, कहीं कम रोटेशन फ्री होने मिला किसी के अलोंग, कहीं ज्यादा है, मिथाइल ग्रुप है फ्रीली रोटेट किया, तो सबका इन टोटो इफेक्ट होता है कि एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन एक्वायर इन इट्स बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म। और ये सब कंट्रीब्यूट हो रहा है कहां से, नॉन कायरल कार्बन एटम्स, और नॉन कायरल कार्बन एटम्स से अगर फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड कोई तो कम मूवमेंट हो रहा है, अगर नहीं है ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, कम ज्यादा मिला हुआ सब मिला जुला करके एक कंबाइंड इफेक्ट प्रोटीन का मैक्रोमोलिकुलर लेवल पर, दैट इज
conformational change. अभी भी कोई डाउट है या और क्लियर करूं? नहीं सर, हो गया. 3D मॉडल एक रहता ना, तो उसमें आप तुरंत समझ जाते, ओ हाँ ये सेंटर से ऐसे हो रहा है उसे, क्योंकि अब कायरल में वहां पर एनर्जी देना पड़ेगा ब्रेन बोन करने, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि चार फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड. चलो मौका लगेगा तो ये उसको हम कोई मॉडल बना के, आप लोगों को हम घर में एक टास्क दिए थे, पता नहीं कितने लोगों ने किया होगा, तो उस कंसेप्ट दिमाग में विजुअलाइज होता. बोले थे एक आलू लेना, एक सर, वो आलू वाला. हाँ सर. हाँ, एक चार टूथपिक लेना, उसको खोस देना आलू में, और एक एक फिर एंड पर अलग अलग चीज लगा देना, और फिर देखना मिरर में, और फिर तीन चारों डिफरेंट करके देखना, फिर तीन डिफरेंट करके देखना, दो सिमिलर, ऐसे ऐसे करके देखिए, सबको सिमिलर करके देखिए कि क्या हो रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, सारा इमेज मिरर इमेज या सब एक जैसा रहेगा. जब चार अलग हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप, तब मिरर इमेज भी डिफरेंट हो जाएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इंटरेक्शन बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाथवे, लाइफ प्रोसेसेस, ये जो चल रहे हैं इतने सारे रिएक्शंस, तो उस कंपाउंड का कोई एक पर्टिकुलर आइसोमर ही उस रिएक्शन में भाग लेगा. ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस में आपका एल ग्लूकोज विल पार्टिसिपेट, एल ग्लूकोज विल बिकम द सबस्ट्रेट ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, ऐसा नहीं होगा, कहां जाएगा, ठीक है ना. इसीलिए स्टीरियो स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर टाइप का स्टीरियो आइसोमर विल कैटलाइज और विल पार्टिसिपेट इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस. नॉट ऑल टाइप ऑफ इनेंसियोमर्स विल पार्टिसिपेट इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस. यही इसका मतलब है कहने का. इंटरैक्शंस बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक. व्हेन बायोमोलिक्यूल्स इंटरैक्ट, द फिट बिटवीन देम मस्ट बी स्टीरियो केमिकली करेक्ट. द थ्री डायमेंशनल क्या कह रहा है, व्हेन बायोमोलिक्यूल्स इंटरैक्ट, एक सक्सेसफुल इंटरैक्शन होने के लिए, एक तो हुआ कि सक्सेसफुल इंटरेक्शन नहीं है, मीनिंगलेस इंटरेक्शन है. एक दो केमिकल स्पीसीज इंटरेक्ट किए और कोई प्रोडक्ट नहीं बना, कोई कोई थर्ड स्पीसीज वहां पर इंगेज नहीं हुआ, तो वो नॉन, उसका उस वो इंटरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब ही नहीं, हम उसको इंटरेक्शन मानेंगे भी नहीं. लेकिन जब बायोमोलिक्यूल सही में जब इंटरेक्ट करता है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन है, इंटरेक्ट कर रहा है, जिसका कोई रिजल्ट आ रहा है, तो दैट इंटरेक्शन इज बिकॉज ऑफ द फिट बिटवीन देम. ओके, बिटवीन देम मतलब बिटवीन हुम, बिटवीन द बायोमोलिक्यूल्स, बोथ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स शुड बी स्टीरियो स्पेसिफिक टू ईच अदर, दे शुड फिट. द फिट बिटवीन देम यानी एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो भी इसी तरह ग्रुप्ड है कि उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक इंटरमीडिएट विल फिट, नॉट द अदर वन, नॉट द मिरर इमेज ऑफ दैट वन. ओके, अगर हम आपको फ्रंट मोबाइल से कुछ दिखा दें कि पढ़ो इसको, पढ़ पाओगे अक्षर? नहीं, सब उल्टा हुआ लिखा हुआ नजर आएगा, तो फिट नहीं हुआ. सो When biomolecules interact, the fit between them must be stereochemically correct. The three-dimensional structure of biomolecules, large or small. ठीक है? Biomolecule चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो. The combination of configuration and conformation. Configuration तो एक fix हो गया, L type का है. सब मोनोमेरिक यूनिट और उस सब एल को
प्रोटीन के केस में, और सब एल को जोड़ करके जो एक स्ट्रक्चर बना, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। अब उस कॉन्फ़िगरेशन में भी, यानी समझ लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से बैकबोन है, और कन्फर्मेशन हो गया ऊपर का पाउडर लिपस्टिक। तो उसका फिर अलोंग द बैकबोन नॉन कायरल कार्बन, वो किस तरह से उनमें फ्लूडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अलोंग द सिंगल बॉन्ड वो मूव करके, रोटेट करके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अगर तीन दो फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है तो बाकी दो जो डिससिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, या दो ग्रुप अदर टू ग्रुप्स है, उनका पोजीशन कहां पर है। ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन विच डिसाइड्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन देयर बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस रिएक्टेंट विथ इट्स एंजाइम, चाहे रिएक्टेंट एंजाइम के केस हो, चाहे हार्मोन रिसेप्टर का केस हो, ओके, या एंटीजन एंटीबॉडी का केस हो, ये फिट होना, स्टीरियो स्पेसिफिकली फिट, स्टीरियो स्पेसिफिकली फिट, यानी एक तो स्पेसिफिक है वो सबस्ट्रेट का एंजाइम और एंटीबॉडी या रिसेप्टर। आप कहोगे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, ये तो बात समझ में आ गई, ग्लूकोज के को ही वो सबस्ट्रेट यूटिलाइज करेगा, फ्रुक्टोज को नहीं करेगा, पेंटोज को नहीं करेगा। लेकिन यहां भी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लूकोज जिसका एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, उसी को अपना सबस्ट्रेट बनाएगा। यानी अब कार्बोहाइड्रेट हम बताए आपको रूल में, अला अमाइनो एसिड सब नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड एल फॉर्म में, नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट सर, नॉट नेचुरली कह सकते हैं, आपका दूसरा भी होता है कार्बोहाइड्रेट बताएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। आप ये समझोगे हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो डी फॉर्म है, प्लांट का छोड़ देंगे, डी फॉर्म में। तो हेक्सोकाइनेज का सबस्ट्रेट डी ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो है साथ में डी वाला ग्लूकोज है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, नॉट ओनली द स्पेसिफिक, इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक टू, समझ में आया। हेलो, सो गए क्या सर? यस सर समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 123 आते हैं, 123 फिगर पर, द स्टडी ऑफ बायोमोलिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री विद प्रिसाइज फिजिकल मेथड्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न रिसर्च ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल फंक्शन। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है, बायोमोलिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। In living organisms, chiral molecules are usually present in only one of their chiral forms. ये statement है, इसको आप समझ लीजिए। एक यही मतलब हुआ कि हम बोल रहे हैं बार बार, एक ही तरह का stereo specificity है। Chiral molecules are usually present in only one of their chiral forms. एक ही type का isomer जो है मिलता है हमारे living organisms. For example, the amino acids in proteins occur only as their L isomers. बता रहे हैं बार बार, amino acid protein में L isomer. Glucose occurs only as its D isomer. The conventions for naming stereoisomers of the amino acids are described in chapter 3, those for sugars in chapter 7. ठीक है, अब देखिए figure को देखिए, 123 जो इसमें बताया, कॉम्प्लीमेंट्री फिट बिटवीन ए मैक्रोमोलिक्यूल एंड ए स्मॉल मॉलिक्यूल, एंड दिस इज ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिट्स इनटू ए पॉकेट ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज PDBID3B8A। देखिए ये क्या है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। हेक्सोकाइनेज का नाम सुने हो? यस। क्या काम है इसका बताइए? ग्लाइकोलाइसिस में यूज है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में सर। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, ओके, वेरी गुड। ग्लाइकोलाइसिस में क्या काम करता है?
ग्लूकोज को सर ये तोता कार्बन को चेंज करता है। चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, क्या करता है कार्बन के साथ? नहीं आप बता रहे हो इसलिए हम और जानना चाहते हैं कि और बताइए, और बताइए, हम देखना चाहते हैं। इट्स गुड दैट यू ओके। देखिए हेक्सोकायनोज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, अगर ये एंजाइम नहीं होता तो लिविंग सिस्टम भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का पहला एंजाइम है हेक्सोकायनोज एंड इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 को, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बार सेल के अंदर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आ गया तो चूंकि फॉस्फोराइलेशन हो गया तो वो सेल के बाहर नहीं जा सकता, सेल में कैद हो गया, हथकड़ी लग गई उसको, क्योंकि सेल अफोर्ड नहीं कर सकता इतना मेहनत से हम एनर्जी देने वाला कंपाउंड को अंदर घुसाए और वो फिर चला जाए, क्योंकि बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो अंदर से फिर बाहर चला जाएगा, सेल कैन नॉट अफोर्ड दिस, वो नहीं चाहेगा, वो सेल बहुत सेल्फिश है कि हम बाहर इसको भेजें। तो पहला स्टेप ऑफ इवोल्यूशन में ये सेलेक्ट हो गया कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करेगा, वंस द ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेट इट कैन नॉट गो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ट्रैप हो गया, अब आपके ऊपर है, करेंसी बन गया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो, आपको जब मर्जी हो ग्लूकोज से निकालिए इनर्जी, कोई चिंता करने की बात नहीं, जब आपको खर्चा करने का मन करे पैसा खर्च कीजिए जब जरूरत पड़े, है ना, ऐसे क्या होगा कि जल्दी जल्दी खर्च करो जल्दी, नहीं तो बाहर भाग जाएगा, ये जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ सब पैसा धाए धाए निकालने लगा, जिसका जहां जहां 500,000 नोट था छुपा हुआ से, जल्दी इसको भंजाओ। लेकिन इस मैकेनिज्म की वजह से अब सेल निश्चिंत है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के फॉर्म में है, ग्लूकोज बाहर नहीं जा सकता, जब उसको यूटिलाइज करना होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आगे फिर ग्लूकोज 1,6-बिस्फॉस्फेट फ्रुक्टोज नहीं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फिर फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन तो ये हेक्सोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट, हेक्सोकाइनेज आ गया जब तो सेल जो है अब अपना लाइफ प्रोसेस इसी तरह इवोल्यूशन हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ दिखाया। हेक्सोकाइनेज का मेन काम यही, इसका देखो ये पीडीबी मतलब होता है प्रोटीन डेटा बैंक, डेटा बैंक है प्रोटीन डेटा बैंक, जीनोम बैंक, ऐसे करके सब बैंक होते हैं, तो उसमें इस प्रोटीन की आईडी है 3B8A, इसमें कुछ स्पीसीज का नंबर है, कुछ उस प्रोटीन एंजाइम का कौन सा कैटेगरी का है वो नंबर होगा, ओके ये सब हम आपको एंजाइम में पढ़ाएंगे, तो इसका आइडेंटिटी है एंड इज हेल्ड इन दिस ओरिएंटेशन बाय सेवरल नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटीन्स एंड द शुगर। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्सोकाइनेज मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड विद सॉफ्टवेयर दैट कैन कैलकुलेट द शेप ऑफ द आउटर शेप डिफाइंड इधर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब देखिए ये एक्टिव साइट है इसका, इस एक्टिव साइट में योर इसका सबस्ट्रेट क्या हो गया, सबस्ट्रेट क्या हुआ इसका, हेक्सोकाइनेज का सबस्ट्रेट क्या हुआ बताइए, अभी तो बोल रहे हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज इतना आइसोमर पढ़ा है सिर्फ ग्लूकोज बोलोगे, डी ग्लूकोज, यस डी ग्लूकोज, ये हुआ बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट का आंसर डी ग्लूकोज। इंटरव्यू में अगर कोई पूछेगा इंटरव्यूअर इसका सबस्ट्रेट क्या है डी ग्लूकोज, तब तुरंत समझ जाएगा ओ वाह एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया ये, क्योंकि ग्लूकोज बोलोगे तो फिर आपका आंसर अनएम्बिगुअस हो गया, तो एल ग्लूकोज भी फिर सबस्ट्रेट है इसका मतलब। अब देखो द आरएस सिस्टम डिस्क्राइब्ड एवर इज द मोस्ट यूजफुल, ये उतना भी जरूरी नहीं है आपके लिए, केमिस्ट्री वाले ज्यादा यूज करते हैं। अब एल और डी है एक नोमेनक्लेचर इधर वाला जो कि इनेंसियोमर्स में यूज करते हैं, दूसरा है आरएस सिस्टम, सेम इनेंसियोमर्स को आरएस सिस्टम और एलडी से, आरएस का मतलब हम बता ही दिया आपको सिनिस्टर और रेक्टस राइट हैंड, ये सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये जो बताए थे आपको। The RS system described above is the most useful for some biomolecules.
In contrast, when a compound with an asymmetric carbon is chemically synthesized in the laboratory, the reaction usually produces all possible chiral forms, a mixture of D and L forms. For example, living cell produce only one chiral form of a biomolecule because the enzyme that synthesize that molecules are also chiral. Okay. इसका कहने का मतलब है कि हमारे लिविंग सिस्टम में जब प्रोड्यूस हो रहा है वो सब के सब एक ही टाइप के फॉर्म प्रोड्यूस होते, लेकिन लेबोरेटरी में जब आप सिंथेसाइज करोगे या करोगे तो वहां पर आपको मिक्सचर मिलेगा दोनों कायरल फॉर्म के, डी एंड एल फॉर्म के, यू विल ऑब्टेन द मिक्सचर, क्योंकि वहां पर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। वैसे ग्लूकोज को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन यहां समझाने के लिए बोल रहा है। अगर ग्लूकोज को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लोगे आप तो प्लांट का जरूरत ही नहीं है ना, फिर प्लांट की जगह लेबोरेटरी बना दिए, ग्लूकोज सिंथेसाइजर बन जाएगा सब, वही काम देख लेगा पूरा। ग्लूकोज को लेबोरेटरी में बनाने का मतलब है कि आपने कार्बन फिक्स कर लिया, तो ये सिर्फ प्लांट ही कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू दिस इन लेबोरेटरी, डजंट मैटर कितना एडवांस हो जाए साइंस, नहीं हो सकता है। ये कुछ चीज है जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, जैसे कि दूध, कोई भी व्यक्ति दूध जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है उसको क्रिएट नहीं कर सकता है, सूखा पाउडर बना लेगा, उसको फिर पानी मिला के मिक्स करके कुछ अलग अलग कर लेगा, बट द मिल्क में जो एक्टिव फॉर्म में जो उस समय रिलीज हुआ इन डिफरेंट एंटीबॉडीज या डिफरेंट प्रोटीन्स का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है, उसमें एक्टिव फॉर्म है, वो कैन नॉट, वो सिर्फ लिविंग सिस्टम ही कर सकता है। उसी तरह कह रहे हैं कि यहाँ ग्लूकोज को हम, लेकिन अगर सपोज कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डी एन एल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और उसको हम अगर लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करेंगे तो दोनों तरह के आइसोमर्स हमको मिलेंगे मिक्सचर में, प्रोडक्ट में, लेकिन लिविंग सेल्स में प्रोड्यूसेस ओनली वन कायरल फॉर्म ऑफ ए बायोमोलिक्यूल बिकॉज द एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज दैट मॉलिक्यूल आर आल्सो कायरल, क्योंकि बायोलॉजी एंजाइम का एक्टिव साइट में जो है कायरल है, वो भी कायरल है, सांचा है ना, वो इसमें जो स्ट्रक्चर वो उसमें फिट होगा, तो उससे जो निकलेगा सांचा से जो निकलेगा सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, अब देखिए ये खत्म कर देते हैं आज, केमिकल फाउंडेशन आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल से फिर हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे, फिजिकल, फिर चला गया फिजिकल फाउंडेशन। सब लोग कह रहे हैं संडे को रेस्ट चाहिए, तो हम भी अब ज्यादा खींचेंगे नहीं, नहीं तो क्या होगा बिना। हेलो, हाँ हेलो, आवाज सर मेरा अटेंडेंस, तो अटेंडेंस कभी भी आओगे तो थोड़े बना देंगे, एक्चुअली तो इत लेट तो आना नहीं चाहिए, नियम स्पष्ट है ना, तुम्हारे लिए कोई वीआईपी तो हो नहीं, आपकी आपके लिए हम अलग से नियम बनाए, सबके लिए वही नियम है, टुडे यू हैव बीन मार्क्ड एज एब्सेंट, तो आज आप एब्सेंट ही रहिएगा क्योंकि टाइम पर नहीं आए, और पढ़ने का मन है तो अभी क्लास में आप रह सकते हैं, क्लास करने से मना नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, हाँ फिजिकल फिजिक्स जो है कल से शुरू करेंगे, बस अब ये लास्ट पैराग्राफ बचा है केमिस्ट्री में आर आल्सो कायरल, ये पॉइंट समझ में आया आपको, क्यों है कायरल, एक ही टाइप का कायरल मॉलिक्यूल क्यों है बायोलॉजिकल सिस्टम में। अगर इंटरव्यूअर आस्क्स यू कि In laboratory, if you synthesize a molecule, a compound, अगर उसका बहुत सारा stereo isomers possible है, तो you will get the mixture. But in biological system, you find only one type. Why? So you will be answered, able to answer this question. Okay. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पता है? ये biochemistry पढ़ने के बाद, अगर मेरे साथ चला student, तो मैं guarantee देता हूँ, लिख के दूंगा। उसका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, मैं उसका गारंटी लेता हूं। क्यों? क्योंकि इसको खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास दूसरा तरीका है,
हम ऐसा तैयारी करेंगे जैसा कोई सोच भी नहीं सकता है। इस पूरे किताब से ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम बनाएंगे, हर एक एक लाइन से, एक एक पैराग्राफ से, इससे 10 क्वेश्चन निकल सकता है इस एक पैराग्राफ से। और जितना आप इसको अंदर घुसोगे उतना आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंटरव्यूअर आपसे क्या सवाल पूछेगा आप उससे ज्यादा जानोगे, उसका हर सवाल का फटाफट आंसर दो। और इंटरव्यू बहुत जरूरी होता है। अब कंपटीशन जैसे JRF है उसमें इंटरव्यू तो नहीं आपका लिया जाएगा, लेकिन PhD एडमिशन में इंटरव्यू ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू जैसे ही दोगे तो आपको पकड़ ले, समझ जाएगा कि कितना पानी में। और अगर स्टूडेंट ब्रिलियंट दिख जाता है इंटरव्यू में तो पता है गाइड लोग झगड़ा करते हैं आपस में, नहीं नहीं हम लेंगे इसको स्टूडेंट, हम लेंगे। हम जब इंटरव्यू दिए थे तो मेरे इंटरव्यू के बाद झगड़ा हो गया था हेड और मेरे अभी जो गाइड बाद में थे, दोनों के बीच में, हम मेरा स्टूडेंट बनेगा ये, मेरा स्टूडेंट बनेगा ये। अब बाद में हम फिर अपने मन से चुने कि नहीं हम मैडम का डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री में ही प्रोफेसर निवृत्ति दास था नाम उनका, मैं उनका स्टूडेंट बनूंगा। अब मैंने हेड को छोड़ के मैंने निवृत्ति दास को चुना क्योंकि मेरे को कम्प्लीमेंट में काम करना था, उनका काम अलग था, कैंसर पर काम करते थे हेड जो थे हमारे।